भीलवाड़ा में लगातार 4 दिनों से कोरोना का शतक लग रहा था, लेकिन मंगलवार को कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में गिरावट आई। मंगलवार को 59 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि अब तक 9,240 रोगी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 7,042 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी जो थर्ड पीक है, ये एकदम पिछले 5 दिनों से काफ़ी केसेस आने लगे हैं, और देखा जा रहा है कि जो चुनावी माहौल था और जो त्योहारी सीजन था, उसके कारण ये केसेस बढ़े हैं। और उम्मीद है कि मतलब ये केसेस जो हैं और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है, और इसके लिए एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बार जो है प्रशासन और चिकित्सा विभाग और पुलिस विभाग और सारे जो विभाग जो हैं इस कोरोना कोविड में ये काम कर रहे हैं, और उनको बार बार एहतियात के तौर पे समझाया जा रहा है। भीड़ में हम लोगों ने आईसी करी है, इन लोगों के ग्रुपिंग में बात करी है, मास्क बांटे गए हैं, और नो मास्क नो एंट्री वाला जो है स्लोगन पूरा जो है पूरे हर डिपार्टमेंट में और क्षेत्र में ये हर एरिया में इसको जो है इसको लिया गया है। लेकिन लोग बाग फिलहाल कुछ लोग जो हैं अब भी नहीं समझ रहे हैं, और ये जो सर्दी का सीज़न है, सर्दी का सीज़न में जितने भी आईएलआई के पेशेंट आ रहे हैं, उसमें चांसेस ये है कि जो है ये वायरस का जो है इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये अपन भी अच्छी तरह मान रहे हैं, डे बाय डे हिस्ट्री हो रही है। लेकिन जो आईएलआई के सर्दी में पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो शंका ये है कि ये मौसम के हिसाब से भी ये तुरंत बढ़ सकता है। और जो है SMS यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजिंग का जो उपयोग करना है, वो ऑफिसर्स में तो हो रहा है, लेकिन जो आम तौर पर बाज़ारों में और जो है भीड़ भाड़ में और जहाँ चुनावी रैलियाँ वगैरह हो रही है, तो वहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा है। तो हम यही गुजारिश है, जनता से भी अपील का है कि आप मास्क का उपयोग करें, मास्क के बिना घर से बाहर नहीं निकलना है, और अगर आपके घर में कोई बाहर से अगर आता है तो आप मास्क पहन करके और सामने वाले से मास्क पहनवा करके बात करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अभी हमारे भीलवाड़ा में जो केसेस हैं वो 7,225 यानी 7,500 जैसे केसेस हो गए हैं, और इसमें से 6,700 जो हैं हमारे क्योर्ड हो गए हैं, और अभी जो एक्टिव केसेस हैं वो करीब 488 केसेस हमारे अभी हैं, और 160 केसेस जो है कल बहुत ज़्यादा आए हैं। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि अब जो केसेस बढ़ रहे हैं, और अभी जो शादी का जो सीज़न आने वाला है, और मैं जब भी मार्केट में निकलता हूँ या तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ में लोग बाग कोई मास्क नहीं लगा रखा है किसी ने भी, और आराम से शादी की जो खरीदारियाँ चल रही है। तो गुजारिश यही है, अपील यही है जनता से कि आप जो है मास्क का उपयोग करें। सरकार ने मजबूर होकर के, राज्य सरकार ने, और 6-7 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया है, भीलवाड़ा भी उसमें इसमें शामिल है, और जो है पहले कलेक्टर साहब ने 144 लगाई थी, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हो पा रही है, और जहाँ जहाँ देखें वहाँ भीड़ है अभी। तो हमको नाइट कर्फ्यू में थोड़ा सा हेल्प ये मिलेगी कि कम से कम दुकान जो है 6-7 बजे बंद हो जाए, और अननेसेसरी जो लोग घूम रहे हैं बिना मास्क के घूम रहे थे, तो पुलिस की और प्रशासन की शक्ति से ये लोग अभी सड़कों पे कम मिलेंगे। लेकिन जो दिन में जो कर्फ्यू की बात है, वो अभी प्रशासन और राज्य सरकार इस पर क्या विचार करती है, लेकिन इस समय हमें खुद को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जनता से यही अपील है कि इसको जो है आप, ये थर्ड पीक लेवल हो सकता है, बहुत भयानक हो सकता है। अभी MG हॉस्पिटल में हमारे करीब करीब बेड फुल होने वाले हैं, और हमने इसी को लेकर के आयुष जो हमारा पहले चल रहा था उसको भी हमने तैयार कर दिया है, 80 बेडेड का वो वापस चल गया है, और एक हमने बापूनगर में जो ESI हॉस्पिटल है उसको भी हमने आज उसको भी तैयार करके, और वहाँ पे भी 30 बेडेड जो है वो हमने उसको जो है पूरा कंप्लीट उसको करवा दिया है, और ये हमारी तैयारी चल रही है। और सब जगह हमने परसों VC भी करी थी, कल ही VC करी थी शाम को, और सारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं, डॉक्टर्स हैं, सबसे बात करी है, और उनको टारगेट्स दिए हैं कि हर ब्लॉक में जो है कम से कम 100 सैंपल, जो पिछले 6-7 10 सैंपल आ रहे थे, उनको आईएलआई के, ईच एंड आईएलआई के जो पेशेंट हैं
कॉन्टैक्ट के जो पॉजिटिव हैं उन सब के जो हैं आप सैम्पलिंग कराएं, और कम से कम जो है इनकी एक ब्लॉक को 100 का टारगेट दिया है, ताकि सैम्पलिंग अगर बढ़ेगी तो वहाँ का ब्लॉक का जो वो सिनेरियो पता पड़ेगा कि अब उसमें कितनी पॉजिटिविटी है। ग्रामीण में देखा जाए तो शाहपुरा और गुलाबरा एक दो ऐसे एरिया हैं जिसमें हमारे बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े हैं, और भीलवाड़ा प्रॉपर की अगर हम बात करें तो बापूनगर हैं, काशीपुरी हैं, चपरासी कॉलोनी है, और शास्त्री नगर, ये एरिया जो हैं ये ज़्यादा हॉटस्पॉट बने हुए हैं। तो इनसे भी हमारे डॉक्टर्स की मीटिंग हो गई है, और हमारे आरआरटी टीम के जो मेम्बरान हैं वो भी जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक दूसरा ये है कि पहले शिकायत आ रही थी हमारे पास कि जो हाउस होल्ड हैं और उनको जो है ये नहीं मिल पा रहा है कि उनकी दवाइयाँ बराबर प्रॉपर में नहीं हो रही, तो हमने वीसी के जरिए भी और हमारी जो आरआरटी टीम के जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी हमने क्रॉस चेकिंग से उनसे करवा रहे हैं कि अगर रात में जो अगर डिक्लेयर हो रहा है तो रात में तो अगर टीम नहीं जा पा रही है, अपन भी मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन सुबह उनको जो है करीब करीब 3 या 4 घंटे के अंदर उनको मेडिसिन मिल जानी चाहिए। तो ये हमारी मॉनिटरिंग चल रही है और ये प्रभावी होने की चेकिंग हो रही है, तो कुछ निकल के आ रहा है कि भाई हाँ ये सारी चीज़ें प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग। थैंक यू।